प्रीता लड़ेगी कोर्ट में सबके सामने करण के लिए केस, और ले आई पृथ्वी की असली सच्चाई सबके सामने, और पृथ्वी को हो गई जेल। और लेकिन करण हो गया हमेशा के लिए प्रीता से दूर और लौट कर वापिस कभी नहीं आएगा लूथरा हाउस। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता की बहन सृष्टि करण से मिलने के लिए जेल के अंदर जाएगी, तभी करण से समीर मिल रहा होगा और करण समीर को कहेगा कि मैं जो हमेशा से प्रीता के बारे में सोचता था वैसे वो है ही नहीं, बल्कि आज मुझे मेरे पीठ पीछे की उसकी असली सच्चाई पता चली है। तभी ये सब सुनकर समीर के होश उड़ जाएंगे और समीर करण को कहेगा कि नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रीता भाभी बहुत अच्छी है, वो जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। तब यह सुनकर करण कहेगा बिल्कुल नहीं, प्रीता ने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए और पावर के लिए किया है। यह सुनकर समीर को काफी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन समीर के पीछे खड़ी हुई प्रीता की बहन सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब शैलिन पृथ्वी के कमरे में जाएगी और पृथ्वी को कहेगी कि मेरे पुन्नू बेबी ने आज कर ही दिखाया, करण को जेल डाल ही दिया और प्रीता को करण से दूर कर ही दिया, तभी यह सुनकर पृथ्वी कहेगा इतना ही नहीं, अब करण प्रीता हमेशा के लिए दूर होंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में आ गया है शक का घेरा, और शक एक ऐसी चीज है जो किसी की जिंदगी में आ जाए तो वो जिंदगी तबाह करके ही जाती है, और इसी वजह से अब यही शक की वजह से करण प्रीता का ब्रेकअप होगा। यह सब सुनकर शैलिन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब प्रीता लूथरा हाउस आएगी और आखी माँ रोते हुए प्रीता के पास आएगी और प्रीता को कहेगी कि प्रीता तुमने ऐसा क्यों किया, पूरी दुनिया के बाद तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बेटे को धोखा क्यों दिया। तब यह सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी, बस सिर्फ राखी माँ से माफी मांगकर चली जाएगी और अपने कमरे में जाकर कैसे भी करके करण को जेल से बाहर निकालने का सोचेगी। और लेकिन जब प्रीता खुद शहर के सबसे बड़े वकील से करण को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उससे मिलने के लिए जाएगी, तभी शहर का सबसे बड़ा वकील प्रीता को कह देगा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि करण पर जो इल्जाम लगा है वो देश का सबसे बड़ा इल्जाम है और देश की ऑडियंस कतई इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और तो और पुलिस वालों के पास करण के खिलाफ बहुत बड़े और काफी सच्चे सबूत है, जिससे साफ साफ साबित हो जाता है कि करण ने जरूर मैच फिक्सिंग की होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि सबूत कहेंगे। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब प्रीता वकील को कहेगी कि आप मेरे हस्बैंड करण के लिए एक बार केस लड़िए, तब वकील जब केस लड़ने से बिल्कुल इनकार कर देगा, तभी प्रीता परेशान होती हुई चिल्लाकर कहेगी मैं अपने पति को कैसे बचाऊं, आखिरकार करूं तो करूं क्या, मैं 100% श्योर हूं कि मेरे पति करण लूथरा कभी मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते और किसी से करोड़ों रुपए तो क्या एक रुपए भी नहीं ले सकते। यह सुनकर वकील कहेगा अच्छा ठीक है, कानून का संविधान कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई भी वकील आपका केस नहीं लड़ रहा तो आप खुद उसका केस पत्नी के नाते लड़ सकती है। यह सुनकर प्रीता करण को सजा मिलने की कोर्ट की सुनवाई के दिन करण के लिए केस लड़ेगी। लेकिन इससे पहले प्रीता सारे सीसीटीवी कैमरास के जरिए सच का पता लगा लेगी और कोर्ट में पृथ्वी की असली सच्चाई लाती हुई कहेगी कि मेरे पति करण बेगुनाह है, उन्हें एक बड़ी साजिश में फंसाया गया है और वो भी और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही सबसे बड़े दुश्मन और लूथरा हाउस के सदस्य पृथ्वी मल्होत्रा ने। और कैमरा के वीडियो फुटेज के जरिए प्रीता सबूत के साथ जज साहब को दिखाती हुई कहेगी कि ये देखिए कैमरा फुटेज जो काफी दूर लगे कैमरा से है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करण की कार में पृथ्वी मल्होत्रा ने चालाकी से दरवाजा खोलकर उसमें पैसे रखे थे। ये बड़ा सबूत पृथ्वी के खिलाफ देखकर जज साहब के होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देंगे और प्रीता करण को बचा लेगी। लेकिन प्रीता के करण को बचाने के बाद करण नहीं जाएगा लूथरा हाउस, और लेकिन अब प्रीता को करण को उसकी असली सच्चाई बता देनी चाहिए क्या नहीं, और पृथ्वी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और करण प्रीता को आप हमेशा एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।